हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ दिस स्टडी मटेरियल फॉर द चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, है ना। तो अब आप देखो, इसमें हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा है बेसिकली ना, हमें कुछ हेड्स दे रखे हैं जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, सेल्स, रिटर्न्स इनवर्ड का क्या मतलब होता है, जो मैंने सेल करी थी तो सेल बाहर दे दी, अब वो सेल वापस आ रही है, तो मतलब ये क्या होती है, सेल रिटर्न होती है। रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं परचेज करता हूँ तो माल अंदर आया था और फिर अब वापस जा रहा है, तो परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न्स आउटवर्ड, है ना। रिटर्न्स आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न। और क्लोजिंग इन्वेंटरी आपके पास आ रही है। अब हमें इससे बोला गया है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब आपको मैंने आपको ये बताया था, जब जब क्लोजिंग इन्वेंटरी ट्रायल बैलेंस में दे रखी होती है तो जो खर्चा होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वो जाएगा सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेजेस, है ना। मैंने आपको ये समझाया था कि जब जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है ना, तो जो खर्चा जो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या जाएगा, फिर बैलेंस शीट में जाएगा डायरेक्टली, और जो ओपनिंग प्लस परचेजेस में से मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, मतलब एंट्री ऑलरेडी पास्ड है, कौन सी वाली एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास्ड है। लेकिन अब इस इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में अजम्पशन नहीं ली, और वो अजम्पशन इसलिए नहीं ली क्योंकि ये हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा, ये हमें सिर्फ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, तो हमारे लिए भी यही अजम्पशन लेना राइट होगा कि अभी तक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं हुआ है, मतलब जो परचेजेस आ रही है ना, ये परचेजेस आ रही है, इसमें से अभी ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं हुआ है, तो मतलब जो मेरा खर्चा जो जाएगा ट्रेडिंग में जाएगा वो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग जाएगा, ना कि सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेजेस। वो कब जाता, अगर मैं ये मानता कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है, मतलब एंट्री कौन सी होती, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो वो एंट्री अगर मैं मान लेता कि ऑलरेडी हो रखी है, तो मेरा जाता सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेजेस खर्चा। लेकिन अब क्या जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि एंट्री कौन सी डलेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एंट्री कौन सी डलेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्या होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो अब आप समझो कि ये हम मानते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रही है चीज, सिर्फ ये हमें हेड दे रखा है, ठीक है। अब आप समझो कैसे होगा, तो मैंने बोला सबसे पहले आप एंट्रीज देखो, एंट्रीज क्या होगी, मैंने बोला ओपनिंग परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ठीक है। ये इसकी क्या एंट्री होगी, मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ये सारे खर्चे आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, ये आपकी जनरल एंट्री होगी, ठीक है। फिर आप देखो सेल्स, अब देखो सेल्स में क्या होगा, सेल्स में होगा मेरे क्या एंट्री होगी, मैंने बोला सेल्स में एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री होगी। अब मैंने बोला, अब ध्यान से समझना, रिटर्न्स इनवर्ड का क्या मतलब होता है, रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब होता है, सिंपल अगर मैं बोलूं, रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब होता है रिटर्न्स इनवर्ड, मतलब अंदर आई जो रिटर्न, जो मतलब पहले बाहर गया होगा तभी तो वो अंदर, तो मतलब सेल रिटर्न है, ये क्या होती है, सेल रिटर्न। तो जो सेल रिटर्न, रिटर्न्स इनवर्ड क्या हुआ, 8 लाख रुपए, ये क्या होगा, सेल में से माइनस हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सेल में से नेट सेल हुई, मतलब अब ऐसे ही आप समझो, रिटर्न्स आउटवर्ड, जो माल आया था वो जा चुका है आउटवर्ड, वापस जाएगा, तो मतलब वो क्या है, परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिटर्न्स आउटवर्ड ना, ठीक है, ये भी क्या होगा, परचेज बेसिस में से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, परचेज में से लेस हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक हम ये मान रहे हैं कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड नहीं है, मतलब ये हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, ना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर अंदर दे रखा होता तो हमें यहाँ पर कुछ और करने की जरूरत नहीं थी, तब तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका अभी तक, ठीक है। लेकिन हमें क्या मानना है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, तो हम क्या एंट्री डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो मेरी एंट्रीज का क्या डलती जा रही है, आप समझो, पहले एंट्री क्या डली, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग, टू परचेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड भी छोड़ दो, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, ठीक है। ये आपकी चारों एंट्री डली, सबसे पहली जनरल एंट्री क्या बनी आपके पास, ये जनरल एंट्री बनी, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ये, फिर आपने एंट्री डाली सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आपने क्या करा, रिटर्न्स इनवर्ड की एंट्री डाली, तो आपने एंट्री डाली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रिटर्न्स इनवर्ड। अगर आप यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रिटर्न्स इनवर्ड ना, आपकी जो रिटर्न्स इनवर्ड की एंट्री डलेगी ना, वो डलेगी, अगर आप देखो यहाँ पे रिटर्न्स इनवर्ड ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अगर आप देखो सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड, आप ऐसे भी डाल सकते हो, मतलब आप सीधा क्या किया, आपने सेल से नॉक ऑफ कर दिया ना, वो सेल से नॉक ऑफ कर दिया, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वैसे जो एंट्री डलेगी ना, वो देखो वो आपकी एंट्री जो डलेगी, अगर आप देखो तो ये जो रिटर्न्स इनवर्ड दिया हो रहा है, एक तरीके से माइनस हो रहा है, किससे माइनस हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो एंट्री आपकी जो डलेगी, सेल आपकी पूरे से डली, है ना, सेल आपने एंट्री के डली सेल की, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने जो डाला ना, वो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले नेट ऑफ कर दिया, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट से 10 लाख रुपए से डाला, और
फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड, ये अलग से एंट्री डाली। तो आपको क्या करना है, पहले पूरे से डाल दो चाहे आप ना, सिंपल यार, ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लाना, बस जो ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री क्या हुई, जो भी था यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस में जो भी था वो सारा पोस्ट कर दिया आपने, तो बस उस हिसाब से आपने एंट्रियाँ डालनी है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड का क्या बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस, तो आपको क्या करना है उसे क्रेडिट और एंट्री डालनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। लेकिन अभी जो रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, अब हमें इस तरफ चाहिए था टू ट्रेडिंग इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड इस तरफ आना चाहिए था, बस मैंने क्या किया उस तरफ माइनस कर दिया, लिख दिया, बस ये कॉन्सेप्ट है ना। अब आप यहाँ पे क्या करो, अब आपको एंट्री डालनी है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये आपकी 2 लाख रुपए से एंट्री आ गई। तो अगर मैं अब दोनों का टोटल ले लूँ तो ये अब जो डिफरेंस आएगा ना, ये क्या है मेरा 2 GP, 2 ग्रॉस प्रॉफिट है ना, 2 GP, ये मेरा क्या चल जाएगा, ये मेरा सीधा सीधा पहले तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी अदर खर्चे होंगे वो सारे एडलेस होंगे, और फिर ये मेरा नेट बैलेंस क्या चल जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, ठीक है। तो ये आपका ये रखो, अब मैंने ये टोटल दिया दिस माइनस दिस, तो ये जो नेट अमाउंट है ना ये आपका कहाँ चला गया, ये आपका नेट अमाउंट चला गया ग्रॉस प्रॉफिट, अब प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस से फिर ये कैपिटल अकाउंट में चला गया, बस ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, मतलब मैंने क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो ना, तो मैंने बोला क्या बोला कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर दे रखा हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो इसका मतलब हमने अभी इस असम्पशन में क्या माना, इसमें ये माना कि हमें जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो बाहर दे रखा है, क्यों, क्योंकि ये हमें पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा, हमें ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर मतलब कुछ सिर्फ डिटेल दे रखी है, ठीक है, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है। अगर ये ट्रायल बैलेंस होता ना और इसमें क्लोजिंग स्टॉक अंडर दिया होता तो मैं ये मानता कि फिर तो मानना क्या, फिर तो 100% है कि वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब वो ट्रेड इन में नहीं जाएगा। ट्रेड इन में कब जाता है, जब एंट्री डालनी होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, बस आपको ये समझना है ना।